अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हमेशा की तरह आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज की हमारी रेसिपी है आलू की तिहारी। तो चलते हैं और बनाते हैं ये मज़ेदार आलू की तिहारी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने एक चाय का चम्मच लिया है लहसुन का पेस्ट, एक खाने का चम्मच लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा, डेढ़ खाने का चम्मच लिया है हल्दी, आठ काली मिर्च, दो सब्ज़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और छः लौंग ली है साबुत गरम मसाले में, एक चाय का चम्मच लिया है गरम मसाला पिसा हुआ। इसके साथ ही दो अदद हमने तेज़पात के पत्ते लिए हैं, दो चाय का चम्मच हमने नमक लिया है, नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा। इसके साथ ही 12 मैंने हरी मिर्च ली है, एक प्याली मैंने ऑयल लिया है, इसके साथ दो मीडियम प्याज लिए है जिसको मैंने इस तरह से कट किया है, दो अदद बड़ी साइज़ के टमाटर लिए हैं जो मैंने पूरे फुल रेड कलर के नहीं लिए, थोड़े से लाइट और येलो कलर के, उसको मैंने चॉप कर लिया। इसके साथ ही मैंने आधा किलो आलू लिया है जिसके मैंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीस नहीं किए हैं, धो के मैंने पानी में डिप करके रखा है, और 300 ग्राम चावल लिए हैं जिसको मैंने पहले से भिगो दिया। मैंने तेगचे को रख दिया है, आँच भी ऑन कर दी है। सबसे पहले हमने ऑयल को शामिल करना है, एक प्याली मैंने ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है सबसे पहले हमने साबुत गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, तेज़पत्ता ये शामिल करेंगे और ज़ीरा शामिल करेंगे, हल्का सा कराएंगे, फिर प्याज शामिल करते हैं। पकाना शुरू हो गया है, इसके साथ ही अब हम शामिल करेंगे प्याज, गोल्डन करेंगे, प्याज गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब हम आलू को शामिल करेंगे, पहले हमने लहसुन के पेस्ट को शामिल करना, मिक्स करेंगे, बेसन का कच्चापन खत्म हो जाए, हमने आलू शामिल कर लेने, आलू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याज के साथ। आलू फ्राई हो गए, नमक शामिल करना है, हल्दी शामिल करनी है, इनको मिक्स करना है। इसके साथ ये होंगे चॉप टमाटर भी शामिल कर देंगे, टमाटर के पानी में ये मसाला भुन जाएगा। इसको ढक के पकने देंगे, ढक्कन दे देना है, फ्लेम को भी थोड़ा स्लो कर दिया है ताकि इसमें आलू भी गल जाएंगे और मसाला भी भुनेगा। 5 मिनट के बाद देखते हैं, ये देखते हैं टमाटर का पानी भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब हम इसके मसाले को भूनेंगे तेज़ आंच करके, गरम मसाला शामिल करेंगे इस वक्त और हरी मिर्च,
भी फुल फ्लेम करके मैंने मसाला भूनना है। मसाला देखिए कितने अच्छे तरीके से भून चुका है। आलू भी चेक करते हैं, आलू भी कर चुके हैं। ये आलू भी गल गए, अब हम पानी शामिल करेंगे। तीन गिलास हमने पानी शामिल करना है। दो तीन, अब पानी पे उबाल आ जाए तो फिर हम चावल शामिल करेंगे। पानी में उबाल आ गए, अब हम चावल शामिल करेंगे। हमने इसको पकने देना है। ये हम चेक करते हैं, अभी थोड़ा पानी और है। थोड़ा सा पानी है, इसके बाद हम इसको दम पे रखते हैं। अब हम चेक करते हैं, ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पे रखते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए दम लग चुका है चावलों को, खिले खिले चावल हो गए। डिश आउट करते हैं। आलू की तिहारी की रेसिपी रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी मज़ेदार बनी है और इसमें अच्छी खुशबू आ रही है। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी कीजिएगा। जाते जाते यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी तमाम नई वीडियोज़ आपको मिल सके। इंशाल्लाह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।